हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आसू मलिक। मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग। रीजनिंग जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कैलेंडर। कैलेंडर आज हम इस जो यूट्यूब वीडियो में पढ़ेंगे वो कैलेंडर होगा। कैलेंडर में जो बहुत ही बेसिक सी बातें होंगी वो हम बेसिक सी बातें इसमें सीखेंगे। इसमें किस तरीके से सवाल आते हैं, हमें किस तरीके से करने चाहिए, किस तरीके से पूछता है, वो सब सारी की सारी बातें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। वो कैसे सीखेंगे, मेरे तरीके सीखेंगे। यह आपको इतना आसान लगेगा, परंतु कब आसान लगेगा, कैलेंडर आपको इतना आसान लगेगा निकालने में। और कोई भी आपको डेट दे रहे कि 20 मार्च 2057 कौन सा डेट था, आप यूँ बता दोगे ऐसा। लास्ट 3 से 4 सेकंड लगेंगे आपको, पर कैसे वो मैं बताऊंगा उस तरीके से। आइए हम सीखते हैं कैलेंडर और ऐसे बेसिक सी बातें। बेसिक आज हम इसमें जो सीखेंगे वो सीखेंगे बेसिक कैसे। आप सभी जानते हैं ईयर, वर्ष। वर्ष कितने प्रकार की होती हैं, नहीं जानते हो तो आप इस वीडियो में सीखेंगे। वर्ष दो प्रकार की होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं वो आइए सीखते हैं। एक तो होती है सिंपल ईयर या साधारण ईयर। या साधारण वर्ष या सिंपल ईयर। सिंपल ईयर एक होती है लीप वर्ष। लीप वर्ष या लीप ईयर। साल जो होते हैं वो दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, एक सादा वर्ष होती है, एक लीप वर्ष होती है। सादा वर्ष कौन सी और लीप वर्ष कौन सी, इसका पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा वो सभी सीखा हम इस वीडियो में। कैसे पता लगाएंगे देखिए, कैसे। लीप ईयर वो जिसमें फरवरी महीना 29 का आएगा वो होगी लीप ईयर। जिसमें फरवरी महीना 29 को आएगा वो क्या होगी, लीप वर्ष। और जिसमें फरवरी महीना 28 का आएगा वो क्या होगी, साधारण वर्ष। आप यूँ कहोगे कि सर कि लीप वर्ष 29 मतलब फरवरी महीना 29 का हो तो लीप वर्ष होगी, पर हमें कैसे पता लगेगा कि इस ईयर में जो फरवरी महीना 29 का है वो ही पता लगाएंगे हम कैसे। ऐसे जैसे कि आपको कोई समय दे दे, कोई भी समय दे दे कि 2028 कौन सी लीप ईयर है, कि यह जो वर्ष है वो कौन सी वर्ष, साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, इसका पता कैसे लगाएंगे। इसमें हम जो होगा चार से भाग दे देंगे, इसमें हम चार से भाग दे देंगे, क्या हो गया, 7 बार। तो इसमें 7 लीप वर्ष और ये लीप वर्ष भी है। जिसमें 4 से भाग जाएगा वो लीप वर्ष होगा, जिसमें 4 से भाग नहीं जाएगा वो साधारण ईयर होगा। 4 से भाग हम क्यों देते हैं भाई, 4 से भाग हम इस वजह से देते हैं कि फरवरी महीना 29 का हर चार साल के बाद आता है। क्योंकि जो फरवरी महीना होता है 29 का, जब भी 29 का फरवरी महीना आएगा वो कब आएगा, हर 4 साल के बाद। इस वजह से हम जो है 4 का हर वर्ष में भाग देकर देखेंगे कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष। जिसमें 4 से पूरा भाग जाएगा वो क्या होगी हमारी लीप वर्ष, वो क्या होगी भाई हमारी लीप वर्ष, लीप ईयर, वो क्या होगी भाई हमारी लीप ईयर। जिसमें 4 से भाग नहीं जाएगा वो क्या होगी, साधारण वर्ष। कैसे, लीप ईयर मैंने अभी भी आपको बताया है कि जिसमें 4 से भाग जाएगा वो होगी लीप ईयर, जिसमें 4 से भाग नहीं जाएगा वो क्या होगी हमारी, साधारण ईयर। जैसे कि हमें कोई समय दे जाए उसने 1956
चार से भाग देखो, चार से भाग दे के देखो, चार से भाग दिया, एक बार क्या बचे सोलह, क्या बार गया 14 चौक 56, इसमें जो लीप ईयर पूछे तो 14 लीप ईयर, और हमें हमने क्या इसमें क्या पूछा है कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष, जिसमें चार से पूरा पूरा भाग जाएगा वो क्या होगी हमारी लीप वर्ष, जिसमें चार से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा वो क्या होगी हमारी साधारण वर्ष। और भी लेते हैं कैसे, जैसे कि 2025 चार से भाग, चार से 24 एक होता शेष में पूरा भाग नहीं गया, तो ये क्या है साधारण वर्ष, ये क्या है भाई हमारी साधारण वर्ष। ये क्या है हमारी साधारण वर्ष, ये क्या है हमारी लीप वर्ष। और भी एग्जांपल लेते हैं कैसे भाई, बारह सौ पचहत्तर कौन सी ईयर है ये पूछेगा हमारा, ये दे दे और कहेंगे बारह सौ पचहत्तर कौन सी ईयर है, वही बात चार से भाग पूरा पूरा नहीं, पूरा पूरा गया नहीं, 1872 1974 नहीं गया ना भाग पूरा पूरा भाग नहीं गया, तो ये कौन सी ईयर है भाई हमारी सिंपल ईयर। ये क्या भाई हमारी सिंपल ईयर, जिसमें चार से पूरा पूरा भाग जाएगा वो क्या होगी हमारी लीप ईयर, और जिसमें चार से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा वो क्या होगी हमारी साधारण ईयर। और मिले इसमें आपने एक चीज जरूर देखी होगी, वो बताता हूं क्या चीज देखी होगी आपने, या देखी होगी ना देखी, वो क्या है नोट डाउन कर ले अच्छे तरीके से। मैं और भी एग्जांपल लेता हूं फिर बताता हूं, जैसे कि किसी ने दे दिया हमें 1976 किस तरीके की लीप ईयर है भाई, चार से पूरा पूरा डिवीजन 1976 चार से पूरा पूरा डिवीजन 19 बार, तो ये क्या है भाई हमारी लीप ईयर। और ले लिया हमने 2039 चार से पूरा पूरा बार नहीं गया, ये क्या भाई हमारी साधारण ईयर। साधारण वर्ष नोट डाउन कर ले प्लीज। और भी ले दू जो 96 चार से भाग 24 लीप ईयर, इस नोट आई और लेते हैं इसका, जैसे हमने इसमें एक बस और नहीं ली, किस तरह की बस नहीं ली वो ऐसी 1800 1600 2000 इस तरह के वर्ष नहीं ली वो, क्यों वो तो थी ईयर, ये क्या है भाई सेंचुरी ईयर, ये कैसी है भाई शताब्दी वर्ष, ये कैसी है भाई शताब्दी वर्ष। इनका पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा लीप ईयर और साधारण ईयर, जैसे कि अगर ये इस तरीके की मतलब कि सेंचुरी ईयर आती है उन्हें हम 400 से भाग देंगे, अगर 400 से डिवाइड होगा पूरा पूरा तो वो क्या होगी भाई सेंचुरी ईयर, सेंचुरी लीप ईयर, सेंचुरी लीप ईयर। जैसे 1600 चार से भाग चार बार, क्या ये सेंचुरी लीप ईयर, सेंचुरी लीप ईयर। ये नोट डाउन कर लिया, इससे मिटा इसे मिटा के अब मैं ये लिखता हूं, सेंचुरी
गाली गुमताली करे आपको पत्नी का नाम नहीं बताए गाँव का हमारे हर बात जो बताए कितनी गाली दे या कभी हमारे लड़ाई करेगा आपको पता है नहीं पता ये कहें भैया तो करते हम गोली मार दे जब गए तो उनसे हम गोली मार दे ये अलग बात होगी बात फिर आपको वाले का बात चाहते वाले से अगर कहेंगे तो फिर हमारे देखेंगे थोड़ा बहने की आवाज क्या तो हमारे मजा आता है बता जाके पहले फोन करे ना कि सुबह सुबह यही मैंने फोन किया कि दोबारा ऐसा सुन पाए दोबारा ना सुन पाए शताब्दी वर्ष ये भी कितने प्रकार के ये भी दो प्रकार के होते हैं कौन कौन सी ये भी दो प्रकार की होती है वो कौन कौन सी होती है वो ये शताब्दी बस एक होती है साधारण सिंपल सिंपल सेंचुरी ईयर या साधारण साधारण शताब्दी वर्ष एक होती है सेंचुरी लीप ईयर या शताब्दी लीप वर्ष या शताब्दी लीप वर्ष कैसे इसका हम कैसे पता चला कैसे पता लगाएंगे वो इस तरीके से जैसे कि उसने हमें कोई तारीख दे दी डेट दे दी कोई शताब्दी ईयर दे दी 2000 और कहे कि 2000 कौन सी ईयर है साधारण शताब्दी वर्ष है या शताब्दी लीप वर्ष वही बात क्या होगा इसमें हम 400 से भाग देंगे क्या बार गया 5 बार तो ये क्या है सेंचुरी लीप वर्ष लीप ईयर शताब्दी लीप वर्ष जिसमें 400 से पूरा पूरा भाग जाएगा वो क्या होगी भाई हमारी लीप वर्ष सेंचुरी लीप वर्ष लीप ईयर और जिसमें 400 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा वो क्या होगी हमारी साधारण शताब्दी वर्ष और एग्जांपल लेते हैं हम इस पर जैसे कि ये 1900 400 से भाग पूरा डिविजिबल है नहीं तो ये क्या है भाई हमारी सिंपल सिंपल सेंचुरी ईयर जिसमें 400 पूरा पूरा भाग वो सेंचुरी लीप ईयर लीप सेंचुरी ईयर या सेंचुरी लीप वर्ष जिसमें 400 पूरा पूरा भाग वो सेंचुरी शताब्दी लीप वर्ष जिसमें 400 पूरा पूरा भाग नहीं आया वो क्या होगी हमारी सिंपल सेंचुरी ईयर मतलब और भी ना इसमें एग्जाम्पल जैसे कि 1600 400 से क्या हुआ 4 पूरा पूरा डिविजिबल है तो क्या होगी हमारी सेंचुरी लीप ईयर ये क्या होगी भाई सेंचुरी लीप ईयर 1900 2700 4 से भाग डिविजिबल है नोट ये क्या है भाई हमारी सिंपल सेंचुरी ईयर ये क्या है भाई हमारी लीप सेंचुरी ईयर लीप सेंचुरी ईयर और ये क्या भाई हमारी साधारण सेंचुरी ईयर नोट डाउन कर लेंगे अच्छी तरीके से ठीक है भाई
आपन एक एक रिकॉर्डिंग सुना दे पे ताई अगर आप आपको पहले एक बार मस्तारी बात के प्रति चेक कर को है दोबारा घर जाने बाद बगैर सागमान ले बा और बस प्रोवेट कर गाड़ी को भाई आपके बहन ने क्या कौन कौन की निकली गाड़ी हमारे बहन का बाप मदारी कौन रहा तुमने गाड़ी दे रहा है सिर्फ यह मुद्दे भाई तुम्हें घर चलती है ये मैंने कोड रखे है किस वजह से इनमें कोई बताने वाली बात नहीं है क्योंकि यह मेरे खुद के कोड है चलो फ्राइडे का 0 सैटरडे का 6 संडे का 2 मंडे का 3 ट्यूजडे का 4 वेडनेसडे का 5 थर्सडे का 6 जनवरी का 1 फरवरी का 2 फरवरी का 4 मार्च का 4 अप्रैल का 0 मई का 2 चलो भाई मार्च में मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये जो है वो अपने कोड है भाई इनमें ना कुछ बताने में तो भाई किसी का कोई कोड होता है किसी का कोई कोड होता है यह मेरे कोड है इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं तो आइए इसमें किस तरीके से सवाल दिए जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ इसमें किस तरीके से सवाल पूछता है जैसे कि आज की तारीख क्या है भाई 22/11/2019 ऐसी कोई तारीख देगा और कहेगा कि इसमें कि इस दिन कौन सा बार था या इस तारीख को कौन सा दिन था संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे क्या था इस तरीके पर ये तो 22 तारीख है तो हमें पता है कि क्या है आज ये तो आज की तारीख है तो हम बता दिया कि भाई इस दिन जो है फ्राइडे होगा इस दिन क्या होगा भाई फ्राइडे परंतु वो भाई करंट तो नहीं देगा भाई जिस दिन पेपर होगा उस दिन की तारीख तो नहीं देगा वो था वो किस तरीके का क्वेश्चन देगा उस तरीके का क्वेश्चन देगा जैसे कि कोई तारीख देगा कि 28/12/1905 को 28/12/1905 को कौन सा दिन था वो इस तरीके की तारीख देगा ये हमें निकालनी है इससे हम ये हमें निकालनी है इसलिए हमें ये निकालना कि इस तारीख को कौन सा डे होगा वो सब सीखा हम इस वीडियो में मैंने अभी भी आपको बताया है कि क्या होता है जैसे कि लीप वर्ष का पता लगाने के लिए लीप ईयर का पता लगाने के लिए हम किसी भी वर्ष में 4 से भाग देते हैं लीप ईयर मैं लिखता हूँ भाई नोट कर लें कि लीप वर्ष का पता लगाने के लिए पूरा घर कहा था कि भैया हमने तो कभी नहीं बुलाया उसको जानते थे पूरा घर में पूरा घर इन्हें योग कहे हैं अब भैया कहेंगे भैया हमारा उनसे कोई रिश्तेदारी ही नहीं है हमारी जबकि सबसे हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है अगर आप दिक्कत हो रही है हमारे से कोई रिश्तेदारी पहले आप अभी कैसे मैं लेकिन रिंकू का कहाँ गए रिंकू कहाँ गए धीरे धीरे तीनों कहाँ गए राजू पाने कहाँ गए अगर तुम जब अगर तुम को बस तुम्हें 5-5 घंटा गाड़ी है यार जितना अब अभी मान लीजिए कोई बात बताई इतना हम तुझे ये बोलता हूँ गाड़ी नहीं बोलता रे चला बात खत्म हो गई अगर होगा मैं तुम तो बता दी बहुत दिन जमा हुआ फिर तुम एक नवा दिन से उठावा लेकिन या से काम मिले कुछ बहुत दिन कहना आज नहीं कहा था कि अगर जो कुछ बर्बाद हुए ना अगर होगा कुछ हुए तो हमारा समाज बर्बाद होता है बोलते नहीं वह किराए के कुए जिम्मेदार का कर हुए भी है बर्बाद लेके हुए मार दुबे के लोग दुबे के खुला गए एक चीज तो सकते हैं कि मैं बर्बाद हो रहे हैं ये बात चाहे नहीं सुनने का अगर आज घर में आज घर में आग की आग लगी तो जीजा रोड वाला दूरी हमने बुझा लीप वर्ष का पता लगाने के लिए वर्ष में 4 से भाग देंगे अगर
अगर चार से पूरा पूरा चार से पूरा पूरा भागित हो जाए या बाद चले जाए हो जाए तो वो लीप वर्ष होगी। अगर चार से पूरा पूरा भागित या भाग ना हो, भागित ना हो, वह साधारण वर्ष होगी। नोट कर ले अच्छे तरीके से। तो पढ़ना जल्दी रफ कर ले या इसका फोटो खींच ले। ठीक है, नोट डाउन अच्छे तरीके से। क्यों जब लगा पानी पीना भाई।
लगाए तो ये आज बढ़ के भी लगाए कि जितने दिन ऐसा से समस्या तब से लोग के साथ में लगी हुई मिला है नोट डाउन कर लिया होगा भाई है ठीक है भाई चलते हैं हमारा कैलेंडर जो भी चलेगा वो एक्स्ट्रा डेज पर चलेगा कैसे एक्स्ट्रा डेज कैसे आज क्या है फ्राइडे आज से 7 दिन बाद क्या होगा फ्राइडे आज से 70 आज से 14 दिन बाद क्या होगा फ्राइडे 21 दिन बाद फ्राइडे 70 दिन बाद फ्राइडे होगा जितने भी 7 से 12 या 7 से डिवीजन सोची हो जाएगी अगर आज शुक्रवार तो आज 700 दिन बाद भी शुक्रवार होगा आज से 7000 साल बाद वो 7000 दिन बाद भी शुक्रवार होगा और 7 लाख दिन बाद भी शुक्रवार ही होगा तो कैसे एक्स्ट्रा डे हम क्यों चलते हैं वो सब सीखेंगे इस वीडियो में आइए सीखो कैसे हमने अभी अभी सीखा कि लीप वर्ष का पता लगाने के लिए हमें 4 से भाग जाएंगे जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा वो क्या होगी हमारी लीप ईयर जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा वो क्या होगी हमारी 7 वर्ष सेंचुरी ईयर का पता लगाने के लिए सेंचुरी लीप ईयर का पता लगाने के लिए हम 400 से भाग जाएंगे जिसमें 400 से पूरा पूरा भाग जाएगा वो क्या होगी हमारी सेंचुरी लीप वर्ष जिसमें 400 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा वो क्या होगी हमारी सिंपल सेंचुरी ईयर ठीक है आगे बढ़े 1 वर्ष में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं 1 300 एक वर्ष में कितने दिन होते हैं भाई 365 परंतु साधारण वर्ष में एक साधारण वर्ष में 365 होते हैं लीप वर्ष में कितना 366 लगाइए 7 से भाग कितना शेष बचा एक तो ये क्या आएगा हमारा जो शेष वाला आएगा वो क्या होगा हमारा एक्स्ट्रा डेज वो क्या होगा हमारा एक्स्ट्रा डेज जिसमें हम शास्त्र भाग लगाते क्यों शास्त्र भाग हम क्यों लगाते हैं शास्त्र भाग हम इस बस लगाते हैं भाई संडे मंडे ट्यूजडे वाला थर्सडे भाई कितने दिन होते हैं भाई 7 दिन होते हैं 7 दिन 1 2 3 4 5 6 7 कितने दिन होते हैं 7 दिन इसलिए हम जो है कहा शास्त्र भाग देते हैं और जितना भी शेष फल आया वो क्या होगा हमारा एक्स्ट्रा डेज नोट कर ले अच्छे तरीके से कि एक साधारण वर्ष में एक साधारण वर्ष में भाई एक शेष फल होता है या एक्स्ट्रा डेज होता है लेकिन नोट डाउन कर ले कि एक साधारण वर्ष में एक एक्स्ट्रा डेज होता है कैसे 365 7 एक शेष नोट डाउन एक साधारण वर्ष में एक एक्स्ट्रा डेज होता है और एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं तो एक एक्स्ट्रा डेज एक लीप वर्ष में कितने वर्ष होते हैं भाई 366 7 से भाग 2 शेष
तो एक लीप ईयर में दो एक्स्ट्रा डेज होते हैं, कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं भाई? दो एक्स्ट्रा डेज, नोट डाउन कर लिया होगा भाई। एक लीप में दो एक्स्ट्रा डेज होते हैं, कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं भाई? दो एक्स्ट्रा डेज होते हैं। अगर एक साधारण वर्ष में एक एक्स्ट्रा डे होता है तो भाई सौ साधारण वर्ष में, सौ साधारण वर्ष में सौ साधारण वर्ष में एक्स्ट्रा डेज सौ भाई, जब सौ मिटा दो अच्छे तरीके लिखो भाई कि एक साधारण वर्ष में एक एक्स्ट्रा डे होता है, तो भाई कितनी भी साधारण वर्ष हो, सौ साधारण वर्ष हो, सौ एक्स्ट्रा डे, सौ सिंपल ईयर में सौ गुणा एक इजिकल टू सौ एक्स्ट्रा डेज। सौ साधारण ईयर में सौ एक्स्ट्रा डेज,